गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रियंका और मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं माय रीसेंट समर स्किन केयर रूटीन, जहां पर मैं आपको बताऊंगी बहुत ही अफोर्डेबल बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मैं कौन कौन सी स्किन केयर फॉलो करती हूं। सो चलिए वीडियो जल्दी से स्टार्ट करें। लेकिन स्टार्ट करने से पहले गाइस, ये मेरी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है, तो नाइट स्किन केयर रूटीन मेरी इसके बाद में आएगी। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तब मैं यूज करती हूँ फेस वॉश। सबको यूज करना चाहिए है ना, स्किन को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं स्किन को क्लीन करने के लिए जो फेस वॉश यूज कर रही हूँ, बाल्टी की पाइनएप्पल फेस वॉश, बहुत ही अच्छा है, मुझे अच्छी लगी एटलीस्ट। और इसको मैं थोड़े से अलग टाइप से यूज करती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो इसको बोलते हैं एक टाइप की फेस क्लीन करने वाला स्पंज। इसकी हेल्प से मैं इसको यूज करती हूँ ताकि मेरी स्किन की जो ऑयल होती है, डर्ट होती है, पॉल्यूशन होती है ना, वो सब कुछ अच्छे से निकल जाए। सेकेंड स्टेप पे गाइस, फेस वॉश करने के बाद मैं यूज करती हूँ बर्फ आइस क्यूब फेस पे ना। समर टाइम में आइस क्यूब यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी स्किन ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मेरी स्किन में बहुत ज्यादा ऐसे इचिंग रैशेस ऐसा होती रहती है, तो इसी की वजह से मैं समर टाइम में यूज करना पसंद करती हूँ आइस क्यूब, क्योंकि आइस क्यूब यूज करने के बाद मेरी फेस बहुत ज्यादा काम हो जाती है, कूल हो जाती है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। के बाद में यूज करती हूँ अपने फेस पे टोनर, टोनर भी मैं रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रखना पसंद करती हूँ। समर टाइम में इतना हॉट होती है ना सब कुछ, तो लगता है कि थोड़ा सा फेस में कुछ ऐसा यूज करो जो थोड़ी सी बॉडी को काम कर दे, कूल कर दे, तो इसीलिए मैं सारा सब कुछ यूज करती हूँ थोड़ा सा ठंडा ठंडा। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ टोनर, और ये ना क्यूकम्बर वाला टोनर है, और आप तो जानते ही होंगे समर टाइम में क्यूकम्बर कितना बेनिफिशियल होती है, आपके पोर्स को एकदम ही उतना ओपन नहीं करके रखती है, बहुत ही बेनिफिट होती है। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ समर टाइम में क्यूकम्बर वाला ये टोनर यूज करना पसंद करती हूँ। आप देख सकते हो 1 मंथ से मैं इसको यूज कर रही हूँ, फिर से स्टार्ट कर दिया है मैंने, एंड मुझे बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलती है इस टोनर को एटलीस्ट यूज करके। बहुत ही ना प्राइस इन सबकी रिजनेबल है, जितने भी प्रोडक्ट में यूज करती हूँ हमेशा उनका ध्यान रखती हूँ कि प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है ना बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेंज पे हो, ताकि मैं सारा टाइम जितने भी टाइम में अफोर्ड करना चाहूँ उनको अफोर्ड कर पाऊँ। एंड उसके बाद लास्ट में जो यूज करती हूँ मैं एलोवेरा जेल, गाइस नेचुरल एलोवेरा जेल में यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि नेचुरल एलोवेरा से डायरेक्टली मुझे कभी कभी ऐसे हर टाइम नहीं होती है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही है, बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, ऐसा फील होती है, तो समर टाइम में तो एटलीस्ट मैं उस एलोवेरा को लेके ऐसे ही नेचुरल यूज नहीं कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं यूज करती हूँ रिवोना की एलोवेरा जेल, ऐसा नहीं है मैं सारे एलोवेरा जेल यूज करती हूँ, लेकिन रिसेंटली मैंने रिवोना की एलोवेरा जेल यूज करना स्टार्ट की है एंड मुझे अच्छा लगा। वैसे आप पतंजलि की एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो, मैंने भी उसको यूज की है एंड मुझे बहुत अच्छी लगती है पतंजलि की एलोवेरा जेल। तो अभी रिवोना की जो जेल है आप देख सकते हो पूरी तरीके से खत्म हो गई है एंड मुझे फिर से कुछ रिपर्चेस करनी होगी, क्योंकि जेल एलोवेरा जेल समर टाइम में तो एटलीस्ट मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि ये ना एंटी बैक्टीरियल इसमें प्रॉपर्टीज होती है जो आपके स्किन को बहुत ज्यादा सेफ करके रखती है हार्मफुल बैक्टीरिया से, तो इसीलिए मैं इसको यूज करना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। दैट्स इट गाइस, यही थी मेरी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। इससे ज्यादा मैं कुछ भी यूज करना पसंद नहीं करती हूँ। और हाँ, समर टाइम में आप सनस्क्रीन यूज जरूर करें, लेकिन मैं घर पे रहती हूँ तो सनस्क्रीन यूज नहीं करती हूँ बिकॉज ऑफ एलोवेरा जेल, कि मैं एलोवेरा जेल ऑलरेडी यूज कर रही हूँ देन मैं सनस्क्रीन यूज नहीं करती हूँ। लेकिन आप अगर बाहर जा रहे हो ना तो सनस्क्रीन मस्ट है, आप इसको यूज करना स्टार्ट करिए। तो यही थी मेरी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन गाइस, एंड नाइट स्किन केयर रूटीन इसके बाद आएंगे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ये बहुत ही सिंपल सा मेरी समर स्किन केयर रूटीन होती है जो मैं यूज करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्रीम यूज करने से ना मुझे इतना प्रॉब्लम फील करना पड़ती है, क्योंकि ये है समर टाइम और मुझे एलर्जिक प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती है इस टाइम पे, तो इसीलिए मैं इतनी ही कम क्वांटिटी के प्रोडक्ट और बहुत ही गिनी चुनी प्रोडक्ट में यूज करती हूँ। तो यही तो मेरी आज की ये सिंपल सा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आई है ना देन आपको क्या क्या करना है पता ही होगा आपको, कर लीजिए प्लीज। और आप कमेंट में आके मुझसे बात क्यों नहीं करते यार, प्लीज आके बात कीजिए, मैं भी आपसे कमेंट में बातें करना चाहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस, लव लव।